देखिए, टूरिज्म एक ऐसी एक्टिविटी है जिसका मल्टीप्लायर इफेक्ट बहुत बड़ा है और इसमें हर स्तर के लोग जुड़े होते हैं। सिर्फ पढ़े लिखे लोग नहीं, ग्रास रूट लेवल के लोग भी इसमें जुड़ते हैं। जैसे अगर एक मंदिर जैसे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना तो वहाँ जो फूल बेचता है बाहर वो भी बेनिफिट किया, उसकी भी आमदनी बढ़ गई। जो ई रिक्शा चलाते हैं क्योंकि वो टूरिस्ट को वहाँ ले जाते हैं, उनकी भी आमदनी बढ़ी। बोटमैन बोट चलाते हैं, उनकी भी आमदनी बढ़ी। सो बेसिकली जो लोकल इकोनॉमी है, जो सुवेनियर्स बनाते हैं, जो साड़ी उद्योग है, वो क्योंकि जो टूरिस्ट आएगा वो कुछ ना कुछ सुवेनियर खरीदेगा, तो पूरी इकोनॉमी में चेंज आ जाता है। बहुत अच्छा, उड़ीसा बहुत सुंदर है, मैंने पहले भी देखा है, पुरी और कोणार्क के मुख्य सूर्य मंदिर को देखा है। उड़ीसा तो हमारी कल्चरली बहुत रिच है और हम इतिहास में से पढ़ते रहे हैं, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। जी, लिंगराज टेंपल मैंने देखा है और इसको हम इतिहास जब पढ़ते थे तब हम पढ़ा करते थे, इसको सामने साक्षात देख के बहुत अच्छा अनुभव हुआ। जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।